नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे सोलन में आयोजित होने वाले शूलिनी मेले की। हर साल की तरह माँ शूलिनी का मेला इस बार भी आने वाला है, जो कि जून 24 से 26 जून तक बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला है। इस मेले को लेकर सोलन वासियों ने तैयारियां भी कर ली है, साथ ही सभी में खासा उत्साह भी उत्पन्न हो गया है। होगा भी क्यों नहीं, माँ का ये मेला होता ही इतना खास है कि हर सोलनवासी इसका बेसब्री से इंतजार करता है। सोलन में होने वाले इस राज्य स्तरीय मेले में काफी श्रद्धालु दूर दूर से माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं। माँ का नाम शूलिनी कैसे पड़ा, चलिए इस बारे में जानते हैं। माँ शूलिनी को भगवान शिव की शक्ति माना जाता है। जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से सभी देवी देवता और ऋषि मुनि तंग हो गए थे, तो वे सभी भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान शिव और विष्णु के तेज से भगवती दुर्गा जी प्रकट हुई, जिसे देखकर सभी देवी देवता खुश हो गए और सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट करके माता का सम्मान किया। कहा जाता है कि महादेव ने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी माँ को भेंट किया था, जिसकी वजह से माँ का नाम शूलिनी पड़ा। बता दें कि ये वही त्रिशूल है जिसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। आइए अब माँ शूलिनी के इतिहास के बारे में जानते हैं। शूलिनी माता का इतिहास भगाट रियासत से जुड़ा है। सोलन शहर स्वतंत्रता से पूर्व भगाट रियासत की राजधानी के रूप में जाना जाता था। इस रियासत की नींव राजा बिजली देव ने रखी थी। 12 घाटों से मिलकर बनने वाली भगाट रियासत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मील में फैला हुआ है। 12 घाटों से मिलकर बनने वाली भगाट रियासत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मील में फैला हुआ था और राजा दुर्गा इस रियासत के अंतिम शासक थे। माना जाता है कि भगाट रियासत के शासकों ने यहां आने के साथ ही अपनी कुलदेवी शूलिनी माता की स्थापना सोलन गांव में की और इसे रियासत की राजधानी बनाया, जिसके बाद माँ के नाम से ही सोलन का नाम पड़ा। भगाट रियासत के शासक अपनी कुलदेवी को खुश रखने के लिए मेले का आयोजन करते थे। तब से सोलन में जून के महीने में हर साल माता शूलिनी के नाम पर मेला होता है। बदलते समय के दौरान यह मेला आज भी अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार चल रहा है। बता दें कि माता शूलिनी का यह मंदिर दक्षिण दिशा में बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर माता शूलिनी की भव्य प्रतिमा विद्यमान है। मान्यता है कि माँ के दरबार में आने से हर एक व्यक्ति के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जो भी पूरी श्रद्धा भाव से माँ का सिमरन करता है, माँ उसके सारे कष्टों को तुरंत हर देती है। मान्यता है कि माँ शूलिनी के प्रसन्न होने पर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या महामारी का प्रकोप नहीं होता है। माँ का आशीर्वाद सोलन वासियों पर हमेशा बना रहता है। माँ के मेले की ये परंपरा आज भी कायम है। बता दें कि कालांतर में यह मेला केवल एक ही दिन अर्थात आषाढ़ मास के दूसरे रविवार को शूलिनी माता के मंदिर के समीप खेतों में मनाया जाता था। सोलन जिला के अस्तित्व में आने के पश्चात इसका सांस्कृतिक महत्व बनाए रखने के लिए तथा इसे और आकर्षक बनाने के अलावा पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। कहते हैं कि इस मेले के जरिए माँ शूलिनी अपने शहर के भ्रमण पर निकलती है और जब वापस आती है तो अपनी बहन के पास 2 दिन के लिए रुकती है और अगले सुबह माता वापस अपने स्थान पर जाती है। 3 दिन के इस मेले में कई श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का आयोजन करवाया जाता है। माँ के 3 दिन तक लगने वाले इस मेले में इतना भंडारा लोगों द्वारा लगाया जाता है कि लोगों को घर पर 3 दिन तक खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेले में श्रद्धालुओं द्वारा दाल, कड़ी चावल, छोले भटूरे, दूध, आइसक्रीम, जूस, कुल्फी, चाट पापड़ी, टिक्की आदि कई चीजों का भंडारा लगाया जाता है। बता दें कि हर साल मेले की शुरुआत माँ शूलिनी की शोभा यात्रा से की जाती है, जिसे माता की पालकी के अलावा विभिन्न धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग माता शूलिनी के दर्शन करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप भी अगर माँ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस मेले में जरूर जाएं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी शिखा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हिमाचल टुडे।